मैं कोच रोहित कुमार, सिल्वर मेडलिस्ट, स्ट्रेंथ फिजिकल एकेडमी मुखर्जी नगर दिल्ली से आज आपको हाई जंप सीक्वेंस टेक्निक्स बताऊंगा। दोस्तों आपने जैसा कि देखा होगा ज़्यादातर ट्रेनर आपको 2 से 3 टेक्निक्स बताते हैं। आज इस वीडियो में आपको 6 से 7 टेक्निक्स बताऊंगा और इन टेक्निक का यूज करके आप फिजिकल क्वालिफाई कर सकते हो। दोस्तों कुछ टेक्निक्स इसमें ऐसी भी है जो इनवैलिड होती है, बट आपके फिजिकल में ये टेक्निक इनवैलिड नहीं मानी जाती। जैसे बिहार दरोगा में है टाइगर जंप वैलिड है, बट ये जो जब हम करते हैं टाइगर जंप ये इनवैलिड टेक्निक्स बोली जाती है। दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। स्टार्ट करते हैं हाई जंप की कुछ टेक्निक्स जिससे हम अपना फिजिकल क्वालिफाई कर सकते हैं। ये हमने अपने 4 फीट लगा रखा है, जिस आप देख सकते हो ये 48 है, मतलब एक फुट में 12 इंच होते हैं, 12 फुट 48 चार फिट है। जंप करके दिखाऊंगा कैसे हम 4 फीट इजीली क्रॉस कर सकते हैं किसी टेक्निक का यूज करके। इसमें क्या है, नॉर्मली हम स्ट्रेट दौड़ के आएंगे और क्रॉस बार के ऊपर से जंप कर जाएंगे। अभी मैं आपको खोल के बताता हूँ फर्स्ट टेक्निक स्ट्रेट टेक्निक। इसके बाद सेकंड टेक्निक सीजर टेक्निक। इसमें क्या करेंगे, हम साइड से आएंगे फिर जंप करेंगे। अभी मैं करके बताता हूँ सेकंड टेक्निक। इसके बाद थर्ड टेक्निक राउंड टेक्निक। राउंड टेक्निक बिल्कुल सीजर की तरह है, बस इसमें क्या फर्क है, हम राउंड में घूम जाते हैं। जैसे मैंने एक यहाँ पे राउंड लगा बना रखा है, इसके बाहर की साइड से हम आएंगे और फिर जंप करेंगे। दोस्तों अगर आपको सीजर आती है तभी आप राउंड ट्राई करना, क्योंकि जब सीजर आने के बाद आप राउंड ट्राई करोगे तो 2 से 3 इंच नॉर्मली आपका इम्प्रूवमेंट होगा ही होगा। अब मैं करके बताता हूँ राउंड टेक्निक आपको करनी कैसे है। दोस्तों फोर्थ टेक्निक आ जाती है बेली टेक्निक। इसमें क्या करेंगे, हम जिस साइड से हम सीजर कर रहे थे उससे अपोजिट साइड से आएंगे और फिर जंप करेंगे। अभी मैं करके बताता हूँ फोर्थ टेक्निक बेली टेक्निक और फ्लाई टेक्निक। जब आप जंप करो तो पहले आपको पैर उठाना है, ये नहीं है कि आप पहले बॉडी आगे लेके जा रहे हो, क्योंकि बाद में अगर आप बॉडी आगे लेके जाओगे तो बाद में आपके पैर टच हो जाएंगे और डंडा गिर जाएगा। फिफ्थ टेक्निक टाइगर टेक्निक। दोस्तों ये टेक्निक वैलिड नहीं होती, बट फिजिकल में हम ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। जैसे कि बिहार दरोगा में ये टेक्निक वैलिड है, तो अभी मैं आपको करके बताऊँगा ये टेक्निक आपको करनी कैसे। इसके बाद सिक्स टेक्निक क्या है, लोग या फिर डॉल्फिन जंप जो होते थे। दोस्तों ये टेक्निक ज़्यादातर खिलाड़ी यूज़ करते हैं, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे जो खिलाड़ी होते हैं वो इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना, तो टाइगर जंप बताया और ये डॉल्फिन जंप, ये आपको गद्दे पर ही करना है, ये नहीं है कि आप मिट्टी में कहीं पर भी करने लग जाओ।
बीच से चोट लगने का खतरा ज्यादा होता है। अब मैं आपको सिर्फ टेक्निक करके दिखाता हूँ, होश भरी फ्लो। अभी मैंने 6 टेक्निक करके दिखाई है, आप इनमें से कोई भी एक टेक्निक यूज कर सकते हो। दोस्तों जैसा कि बिहार एसआई में कोई भी टेक्निक इनवैलिड नहीं है, तो आप इनमें से कोई भी एक टेक्निक यूज कर सकते हो। दोस्तों अभी इस वीडियो में मैंने आपको 4 फीट हाई जंप करके दिखाया है, नेक्स्ट वीडियो में आपको 4.5 फीट भी हाई जंप करके दिखाऊंगा। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। साइड में बेल आइकन है उसको दबाना ताकि आगे जो वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।